चंद सीटों के फासले से सत्ता गंवाने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ऊंची छलांग से पहले दो कदम पीछे हटने की बात कही है। सीएम शिवराज के इस कमबैक अवतार ने सूबे में अब एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शिवराज कमलनाथ सरकार को गिराएंगे? इसे घेर दो, उसे घेर दो, कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा। मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। आंख उठा के कोई नहीं देख पा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली पैदा कर दी है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा द्वारा कम सीट जीतने के बावजूद अंतिम दौर तक सीट जुगाड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से सत्ता को आसानी से जाने दिया वो कई सियासी पंडितों को भी हैरान कर गया। अब जरा इस ट्वीट पर भी गौर करें। इस ट्वीट में पूर्व सीएम शिवराज बड़ी छलांग लगाने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के इन बयान बमों ने सूबे की सियासत को एक बार फिर गर्मा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ विपक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी और कांग्रेस को ये जरूर समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से बहुमत मैंडेट कांग्रेस को नहीं दिया। तीन सीटें कम थी, तीन सीटों के लिए हमने शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाया और हम पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हताशा बताती है कि वो मध्य प्रदेश से उनकी सरकार जाने का दर्द अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं और आज तो उन्होंने इतना बड़ा बयान देके संवैधानिक सरकार के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को बुधनी के कल सीएम हाउस में ये बोला है कि मैं जल्द ही वापस इस मुख्यमंत्री निवास में आऊँगा अगले तीन साल के अंदर। तो क्या वो इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे? क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग करके विधायकों को तोड़ेंगे? क्या उनकी मंशा इस सरकार के खिलाफ जाने की है? क्यों नहीं वो जन मध्य प्रदेश के जनमत का सम्मान करके सकारात्मक विपक्ष की भूमिका स्वीकार करते हैं? कांग्रेस पार्टी 15 साल से विपक्ष में थी लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का नीचे उतर के राजनीति नहीं करी। भाजपा के सारे लीडर दिल्ली से लेके भोपाल तक अपनी तीन राज्यों में हार को पचा नहीं पा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इनको हरा के इनका चेहरा दिखाएगी। उनके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वो सरकार की मलाई खाने के इतने आदि हो गए हैं कि वो विपक्ष में बैठना नहीं चाह रहे और एनकेएन प्रकरण अभी गवर्नमेंट बने 72 घंटे नहीं हुए हैं और उन्होंने षड्यंत्र रचना चालू कर दिया है और सार्वजनिक तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है। तो इससे साबित होता है कि उन्होंने अपने कोई षड्यंत्र की रूपरेखा बना रखी है। मंत्रिमंडल को लेकर गुटी और क्षेत्रीय संतुलन बनाने में जुटे सीएम कमलनाथ के लिए शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और कांग्रेस में तीखे टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।